गाइस कैमरा से फोटो तो आप लोग भी खींचते होंगे, और सिंपली क्या होता है कि कैमरामैन हमारी फोटो खींचता है, उसके बाद में उसको पता नहीं वो कहाँ लेकर के जाता है, एक दो दिन लेता है और उसके बाद में हमारे पास में फोटो लैब से निकल करके आती है। लेकिन क्यों ना अगर ऐसा कैमरा हो जो कि तुरंत ही हमको फोटो दे दे, मतलब सीधा हाथ में ही दे दे छाप के। तो आज हमारे पास में एक ऐसा ही कैमरा जो कि मैंने मंगवाया है अमेज़न से। आज हम करने वाले इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग की, कैसे दिखता है, कैसे काम करता है, इसके अंदर क्या है, तो फटाफट शुरू करते हैं। और आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक जरूर से करते ना भाई। दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में अनबॉक्सिंग के लिए काफ़ी सामान ऑनलाइन मंगवाता हूं, उम्मीद है आप भी मंगवाते होंगे। और अगर आप कोई नया फ़ोन खरीदने की सोच रहे हो, जैसे कि वन प्लस का नोड या फिर वन प्लस के नए ईयरबड्स, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लैटी शॉप्स के बारे में, जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा कैशबैक भी पा सकते हैं ये सब चीज़ें खरीद के। भाई लैटी शॉप एक कैशबैक वेबसाइट है जहां पर आपको 2000 से भी ज़्यादा स्टोर जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, अली एक्सप्रेस, ये सब मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको डायरेक्टली वन प्लस की वेबसाइट से फ़ोन नहीं खरीदना है, आपको जाना है लैटी शॉप्स के ऊपर, वहां पर आपको वन प्लस और ये सारे स्टोर्स मिल जाएंगे। तो वहां पर वन प्लस खोल करके जैसे नॉर्मल शॉपिंग करते हैं वो कर लीजिए, जो भी चीज खरीदेंगे उसके ऊपर जो कैशबैक होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, जिसको आप इजीली अपने पेटीएम या फिर यूपीआई में विथड्रॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी लैटी शॉप्स को डाउनलोड करते हैं तो आपको अपने हर ऑर्डर के ऊपर 30% एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद में सिंपली आपको रजिस्टर करना है अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के, तो बहुत सिंपल है, फटाफट से कर लीजिए और कैशबैक पा करके भाई थोड़ी सेविंग्स कीजिए। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों इस पैकेजिंग के अंदर है हमारा इंस्टेंट कैमरा जो कि है फूजी फिल्म का इंटेक्स मिनी 9 इंस्टेंट कैमरा, थोड़ा बड़ा नाम है। तो फटाक से इस बॉक्स को खोलते हैं जो कि मैंने मंगवाया अमेज़न से। अगर आपको मंगवाना है तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको भी लिंक मिल जाएगा। और ये जो कैमरा है आता है इस बॉक्स के अंदर, और यहां पर हमको कैमरा की एक फोटो देखने को मिलती है। और भाई बात करें पीछे की तरफ तो कुछ फोटोज बनी हुई हैं, शायद ऐसे ही फोटो जो है वो प्रिंट होकर के आएंगी। और एक काफी अच्छी सी पैकेजिंग में दिया हुआ है ये तो मानना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ आइस ब्लू, यानी कि आइस ब्लू कलर का शायद ये होने वाला है। तो अब फटाक से इसके ऊपर जो सील है उसको खोलते हैं, एंड इस पे लिखा है डू नॉट एक्सेप्ट इफ द सील इज ब्रोकन, मतलब कि अगर इस पे सील नहीं लगी तो आप इसको एक्सेप्ट मत करो। लेकिन इस पे सील लगी हुई है तो हम इसको खोल लेते हैं बाहर। और भाई साहब यहाँ पर आपके सामने आने वाला है कैमरा। अब निकालते हैं मेन कैमरा को बाहर। और भाई आपको मैं फर्स्ट इम्प्रेशन बताऊं तो मुझे नहीं लगा था ये कैमरा इतने बड़े साइज का होगा। इस कैमरा का साइज वास्तव में काफी बड़ा है, देखो आप लोग, मुझे लगा जैसे फोटो में देख के लगता है कि इतना सा कैमरा होगा, लेकिन ये इतना सा नहीं है, ये इतना बड़ा कैमरा है। अरे वाह। तो अब इन सारी चीजों को रखते हैं साइड में, उससे पहले इसके अंदर कुछ और है वो भी निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर कैमरा की बात करें तो इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे काफी सही लग रही है इसकी प्राइस के हिसाब से, जो कि है लगभग 4000 रुपए। और इसका जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल भी चीप फील नहीं हो रहा है। तो अब जो है इस कैमरा को थोड़ा टटोलना शुरू करते हैं, और यहाँ पर ये जो है कुछ ऐसे गोल गोल घूमता है, यहाँ पर एक बटन है इसको दबाता हूँ। अरे यार, ओहो, तो भाई ये एक सेक्शन जो है पॉप करके बाहर आ गया, क्या बात है। देखो तो मुझे लगता है कि इसको चलाते टाइम शायद ये बाहर ही निकला रहेगा। अब इसको अंदर डाल लेते हैं। यहाँ पर एक बटन है जो कि शायद शटर है इसका फोटो खींचने के लिए। पीछे की तरफ एक आईपीस दिया हुआ है। और भाई साहब इसके अंदर बहुत अच्छी बात यह है कि दो बैटरीज दी हुई है, यानी कि इसको चार्ज करने का लफड़ा नहीं है। हो सकता है ये बैटरी चार्जेबल हो, लेकिन भाई फिर भी यार आप कभी भी सेल डालो और कैमरा चलाओ, और जो सेल्स हैं वो डालेंगे यहाँ पर इसमें। तो सबसे पहले जो बैटरीज हैं वो डाल लेते हैं, और ये बैटरीज इसके साथ ही आई हैं। तो भाई मैंने बैटरीज डाल दी हैं इसमें दोनों। अब इसको फिर से कर लेते हैं बंद, और यहाँ पर ये सेक्शन भी खुलता है टीवी रिमोट की तरह। और गाइस देखो आप लोग, इसके अंदर खाली जगह दी हुई है, और ये रबर का सा मटीरियल है। अरे वाह। तो भाई अब इसके अंदर जो है फोटोज कैसे खींचती हैं उस चीज की बात करते हैं। इसमें फोटो खींचने के लिए कोई इंक वगैरह नहीं लगती, सिंपली हमारे पास में इस तरीके की शीट्स हैं जो कि भाई मैंने अलग से अमेज़न से मंगवाई हैं। इसके अंदर 10 शीट हैं जो कि 800 रुपये की पड़ी हैं। तो भाई साहब काफ़ी महंगा तो है ये, तो बात है, मतलब कि 80 रुपये की एक फ़ोटो पड़ेगी अपने को। और भाई इसके अंदर एक्चुअली में कोई शीट नहीं है, इसके अंदर एक पूरा देखो कार्टिगेज ही दिया हुआ है, जो कि मुझे लगता है इस कैमरा में फिट आ जाएगा। तो फटाक से लगा देते हैं मेरे भाई। ये हो गया कैमरा बंद, रेडी। तो भाई इस बटन को ऑन करता हूँ, और ये कैमरा ऑन हुआ या नहीं हुआ, अरे मुझे दिख रहा है
इसमें से दिख रहा है भाई, छोटा सा इतना सा आईपीस है और उसमें देखो बहुत अच्छा दिख रहा है, छोटा सा है एकदम। तो अब जो है मैं ट्राई करता हूँ फोटो लेने की। मैंने सीधा पकड़ा है ना इसको, यहाँ पर इसका शटर है। एंड गाइज ये DSLR से बहुत अलग है एक्चुअली में, इसका ये हिस्सा नीचे है, शटर यहाँ पर है जो कि वैसे यहाँ पे होता है, कोई नहीं। तो भाई मैं तेरी फोटो खींच रहा हूँ, ठीक है, दोनों कैमरामैन्स को लेता हूँ, यहीं रहना। हाँ है कुछ आया है तो भाई ये क्या हुआ, डोंट पुट इन माउथ, लेकिन इस पर कुछ तो छपा ही नहीं यार, ये तो ब्लैक फोटो आ गई है, ये डेवलप होगी क्या? तो भाई ये खाली नहीं थी फोटो, अरे वाह ये डेवलप हो रही है, मुझे तो लगा कि भाई लुट गए हम लोग, 80 रुपये वेस्ट गए और कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे ये जो फोटो है ना ये छपती जा रही है, देखो दोनों कैमरामैन की जो फोटो है वो इसके ऊपर छप रही है। तो अंकित किधर है और मोहित उधर है, ऑल राइट देख सकते हो आप लोग, धीरे धीरे इसमें कलर्स आते जा रहे हैं एंड ये जो है शायद डेवलप हो रही है। तो 1 या 2 मिनट का वेट करते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि ये फोटो कैसी दिखती है। अब जो है इसमें कलर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे दिखने लग गए हैं। एंड गाइज 80 रुपये में वैसे फोटो ख़राब नहीं है अगर हमको तुरंत से मिल जाए तो एक काम करते हैं कि अब मैं जो है एक सेल्फी लेने के ट्राई करता हूँ। यहाँ पर इन्होंने देखो, यहाँ पर इन्होंने एक मिरर दिया हुआ है जिससे कि सेल्फी ले सके मैं आसानी से, ठीक है। तो भाई मैं आ गया फ्रेम में और ये लो, अरे यार मैं स्माइल करना भूल गया, देखते हैं कैसी फोटो आती है। फिर से वाइट है क्या पूरा? हाँ तो देखो वाइट आता है लेकिन डेवलप होने में टाइम लगता है, तो 2-4 फोटोज और खींचते हैं और इनको डेवलप होने देते हैं, तब तक मैं खींच के लाता हूँ इससे, ठीक है। तो भाई आप लोग देख ही सकते हो कि अब ये जो फोटोज हैं डेवलप हो गई हैं। और एक चीज है यार, काफी शाइनी जो है इसकी सरफेस है। ये है हमारा DSLR कैमरा जिसकी फोटो हमने इस वाले कैमरा से खींची है। ये है भाई अंकित और मोहित की फोटो जो कि अब काफी सही हो गई। ये फर्स्ट फोटो थी इस कैमरा की। ये है मेरी सेल्फी जिसमें कि मैं रिएक्शन देना भूल गया, मेरे को बाद में याद आया कि तुरंत से फोटो खींच चुकी है। ये है कुछ ऐसे ही पेड़ की फोटो जो कि मैंने खींची है। और ये है इन तीनों लोगों की। आई डोंट नो कि ये इतनी ज्यादा ब्लैक क्यों आ गई, तो भाई ये फोटो इतनी अच्छी नहीं आई, बाकी फोटोज काफी अच्छी है। एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी ऑफ द फोटोज जो कि हमको सिर्फ 4-5 सेकंड्स में तो खींच करके बाहर निकल करके हाथ में मिल जाती है, कमाल की चीज। तो भाई अगर आया आपको इस कैमरा की अनबॉक्सिंग में मजा तो लाइक इस वीडियो के लिए जरूर से बनता है भाई, प्लीज लाइक के बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और कमाल की चीजों की अनबॉक्सिंग के लिए। अगर आपको ये कैमरा मंगवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक मिल जाएगा, उससे मंगवा सकते हो। साथ ही साथ में इसकी जो कार्टिगेज आती है इस तरीके की फोटोज के लिए उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, तो भाई आप मंगवा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार। और अगली वीडियो किस चीज पर होनी चाहिए कमेंट में जल्दी बताओ मुझे। चलो बाय।